हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर आए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और इस न्यूज़ को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन बेसिक टीचर ऑर्गेनाइजेशन IBTO, इस तरह का कोई भी जो संगठन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो संगठन का एड्रेस है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली का दिया हुआ है, जबकि ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं। ऐसा कोई भी संगठन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी DLED, VED, VLED जैसे शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार 4 से 5 सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है। वहीं दूसरे स्टेट में बैठे हुए जो लोग हैं, जो जालसाज हैं, जो फर्जी लोग हैं, ठीक है, वो किस तरह से उन अभ्यर्थियों के मासूमियत के साथ, उन अभ्यर्थियों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे किस तरह से ये जो नोटिस है और बाकायदा ये न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति निकलवाई जा रही है। बट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से फेक है, फर्जी है। कोई भी अभ्यर्थी इस जाल में बिल्कुल ना फंसे, ये पूरी तरह से फेक है, ठीक है। किसी इस तरह का कोई भी जो संगठन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और संगठन का एड्रेस आप देख रहे हैं, न्यू दिल्ली का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे न्यू दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। और ये वैकेंसी कहाँ निकालना है, यूपी में, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर केवल आपसे मांगा जा रहा है नेशनल बेसिक टीचर्स, ऐसी कौन सी पोस्ट होती है जिसमें जो नेशनल बेसिक टीचर की हो और ये इसमें स्नातक शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही है, इसी तरह से इसमें PG, इसमें सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से फेक है। कई सारे लोग यहाँ पर इसके बारे में जो न्यूज़ है वो चला रहे हैं और इस जो विज्ञप्ति है जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर जो एजेंसी है वो भी इस चीज़ की जांच पड़ताल किए बिना ही धड़ाक से फटाफट अपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित कर देती है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से तो उसका पूरा शासनादेश जारी किया जाता है, ठीक है, तभी उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका तो आपको पता ही होगा जो UPDLED की वेबसाइट है उसके थ्रू आपकी वैकेंसी आएगी। बाकी अगर गवर्नमेंट और कोई वेबसाइट लॉन्च करती है और उस पर कोई जानकारी आती है तो वो भी दी जाएगी। बाकी अभी आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसका गठन किया जा रहा है और वो अभी गठित नहीं हुआ है, और उसके गठन से पहले यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। बाकी टैट सी टैट आप देते रहिएगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो सी टैट से पैसा है वो कमाने पर लगी हुई है। अदर कई सारे स्टेट में आपको शिक्षक भर्ती जो कि जो प्रोसेस है वो लगातार देखने के लिए मिल ही रही होगी। अभी हाल ही में आपको रीट का रिजल्ट देखने के लिए मिला होगा, तो राजस्थान में शिक्षक भर्ती चल रही है, बाकी बिहार में भी शिक्षक भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, जिस वजह से जो ठगी करने वाले लोग हैं आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार परेशान बैठे हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से ठगा जाए। यहाँ पर ही आपसे पैसे भी लेते होंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करते होंगे, इन्होंने वेबसाइट भी बनाकर बता रखा है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है, कोई भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए आवेदन ना करें। और इनका कहना है कि हम 26 मई से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और 15 जून रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये पूरी तरह से फेक है। सभी लोग इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी BEd DLED के भाई बहन हैं, VLED के भाई बहन हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सचेत हो जाएं और कोई भी स्टूडेंट्स इन जालसाजों के झांसे में ना फंस पाए। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो इस वेबसाइट पर बिल्कुल अपलोड ना करें, अन्यथा आपको पता ही है डॉक्यूमेंट्स का किस तरह से दुरुपयोग भी किया जा सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।